आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा सिंह बराड़ है। अच्छा, तो आज हम आए हैं राजा सिंह के घर और इनसे हम जानेंगे कुछ बेसिक घोड़ों की जानकारी के बारे में। जितना आपको है उतनी जानकारी आप हमारे सब्सक्राइबर को दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे हम पहले ये जानेंगे कि घोड़ा है जो है लोग रखते हैं, तो वो घोड़ों को क्यों रखा जाता है घर में? जो घोड़ा है घर में रखा जाता है, घोड़ों को सवारी के लिए भी रखा जाता है। अच्छा। घोड़ों को आर्थिक स्थिति मुनाफे के लिए भी रखा जाता है। घोड़े को एक देव रूप की तरह पालन पोषण करने के लिए भी रखा जाता है। अच्छा। और क्या है, घोड़ों को रखने के लिए अपनी जान पहचान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बड़े बड़े लोगों से छोटे लोगों से जान पहचान बहुत ज़्यादा मोहताज हो जाती है, इन जानवरों के प्रति होती है जो जान पहचान होती है। अच्छा अच्छा, यानी इन जानवरों के थ्रू आपकी इसकी तरह होती है। ओके ओके, तो यानी कि घोड़ों को घर में जो रखा जाता है, तो आप ऐसे इनका लालन पालन जो करते हो वो किस तरीके से करते हो यानी? अरे देखिए ना, जो स्लोत्र है महाभारत से पहला लिखा गया है, स्लोत्र में घोड़े को हम पशु नहीं समझते। अच्छा। महर्षि ने, स्लोत्र ऋषि ने लिखा था, ये घोड़ा एक पवित्र जानवर है, देव रूप है, जो इसका पालन पोषण करता है वो देव रूप मानते हैं, देव रूप मानते हैं हम इसको, पशु नहीं बोलते। ये एक देव रूप है, इस देवते की तरह पूजा करनी चाहिए घोड़े की, जो इसकी देवते की तरह पूजा करता है। मान लो उसके घर में उसकी आर्थिक स्थिति वास्तु की शास्त्र की तरह देखा जाए तो उस तरह भी घोड़ा करके हर तरह के मुनाफा के लिए अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, जो लोग इन्हें सेवा, जो मान लो इसकी सेवा नहीं करता है, घर में घोड़ा ल्याकर रख लिया है, वो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अच्छा, तो आप एक चीज़ और ये और बताइए, जैसे कि पंजाब में नुकरा बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, तो जब यूपी के व्यापारी पंजाब में आते हैं तो यूपी के व्यापारी किस तरीके से आपसे रेट कम करवाते हैं यानी कि? देखो, जो तो किसान लोग हैं पंजाब का, उनको पता मालूम नहीं होता कई बार भी ये व्यापारी है क्या डायलॉग बोल रहा है आगे से। जो पंजाब का व्यापारी है उनको सभी यूपी वालों की समझ आती है। अच्छा, सबको सब पता, सब पता होता है ये क्या कर रहा है। अच्छा। वो यूपी वाला क्या करता है, आकर बोलता है किसान को, ये इसकी बावरी ऐसी है, इसके नीचे से जो गामची है घुटने दब रहे हैं, इसकी हाइट नहीं है, कुछ ना कुछ इसका कान खुला है, ऐसे कमी निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा नीचे बोलते हैं, नीचे से बावल लगाना लग जाते हैं। जो किसान है वो डर जाता है एक बार, ये मेरी गुड़ी का इतने दाम लग रहा है। देखा जाए तो ये पहले था, अब जिसके पास भी गोड़ी सभी व्यापारी है, किसान बहुत कम रह गया है। सभी को जानकारी हौली हौली मीडिया के थ्रू और एक लोगों के संपर्क में आकर जो शो हो रहे हैं पंजाब के शोओं से संपर्क से जानकारी फुल मिल रही है। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, जैसे कि एक घोड़ा रहता है उसका मालिक के प्रति कितना प्यार रहता है, यानी कि आप तो घोड़े को प्यार करते हो, घोड़ा आपको करता है नहीं करता है, इसका पता कैसे लगाते हो आप? देखा जाए ना, ये जो घोड़े का मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, घोड़ा और इंसान का जन्म एक जैसा है। इसी तरह इंसान का जन्म होता है, उसको खुराक का पालन गर्भ में मिलता है, उसी तरह घोड़े के बच्चे का होता है, इनका आपस में संपर्क बहुत ज़्यादा है। ये देखो, मान लो आप एक घर में घोड़ा जन्मा है आपके, आप उसका पालन पोषण करते हैं घोड़े का, जब पालन पोषण करते करते वो घोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने मालिक के पसीने की सुगंध से लगाव रखता है। आप कहीं भी घोड़ा सेल कर दो, जितनी देर उम्र है उसकी, जितनी घोड़ा जन्मेगा जहाँ वहाँ पे रहेगा, वो आपके मालिक को पहचानता रहता है। मान लो 10 साल के बाद उसका मालिक उसके पास जाएगा, उसके पसीने की सुगंध से ही वो घोड़ा पहचान लेता है, मैं इनके घर में जन्मा था, इसके घर मेरा पालन पोषण किया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके आसपास के एरिया में कुछ ऐसी वारदात हुई हो जो जानने लायक हो, जिसने यानी कि घोड़े के प्रति या और भी कुछ यानी कि? देखो, बहुत सी सारी उदाहरणें मिलती हैं घोड़ों के प्रति, जो आपने मालिक की तरह विश्वास करता है घोड़ा, कोई सबसे पहले तो ये आंखों के सामने हुआ हो, देखा है। सबसे पहले तो ये देखो, मान लो कहीं भी कोई सवार घोड़ी से गिर जाता है, जो अपने मालिक के प्रति घोड़ी प्यार करती है, मान लो घोड़ी से सवार गिर जाता है, घोड़ी वहाँ पर रुक जाती है, जो अपने मालिक को अच्छा समझती है, प्यार करती है अपने मालिक से। कुछ ऐसी घोड़ियाँ भी है, कुछ बदमाशी दिखाती हैं, वो भागकर घर को आ जाती है, जिनका अपने मालिक से लगाव हुआ, भी मेरा ये पालन पोषण करता, ये मुझसे गिर गया, किसी गलती मालिक की गलती के कारण कोई खड्डा आ गया, गिर गया, उसमें गिर जाता है, उस मान लो जो गिर गया तो वो अपने मालिक की तरह उसी तरह बराबर उसके रुक जाती है। हमने एक उदाहरण देखा था, हमारे बगल में गाँव है बिल्ले वाला, बिल्ले वाला फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा।
उस गांव का नंबरदार था, उसकी उम्र थी 80 साल उम्र थी उसकी, बहुत टाइम से गोड़ियाँ रख रहा था वो उसको हम अपने बलवीर सिंह नंबरदार थे वो, उनका घोड़ियों प्रति बहुत प्यार था। उनके घर में कोई बदमाश घोड़ी भी आकर शरीफ बन जाती थी, इतना प्यार पालन पोषण करते थे घोड़ी का वो लोग। जब उनकी मृत्यु हुई, हम उनके संस्कार पे भी गए, नेक्स्ट डे उनके वो अस्थियाँ चुगनी थी शमशान घाट में, उस दिन गए। उन्होंने वो घोड़ी रख रखी थी अपने घर में, वो घोड़ी को गाँव में खुला चरने के लिए छोड़ देते थे। जिस दिन उसकी अर्थियाँ चुगनी थी, उस दिन उसके लड़के ने घोड़ी को खुला छोड़ दिया। हमने अखी देखा है, बहुत सारे इंसानों को आपने पूछ ही लेना घोड़े ने बिल्ले पिंड वाले नंबरदार के, जिस दिन अस्थियाँ चुगी क्या हुआ था। अच्छा। वो क्या हुआ, घोड़ी सीधी शमशान घाट में गई। अच्छा। जाकर जहाँ पे उनका संस्कार हुआ था, वहाँ पर जाकर घोड़ी ने घुटने नीचे लगा कर उसको नमस्तिक किया। अच्छा। और आँखों में घोड़ी के पानी भरा आया, रोती रोती घोड़ी घर में आ गई। आकर घर में घोड़ी, दो दिन घोड़ी ने चारा नहीं खाया, बहुत ज्यादा घोड़ी रोई, क्योंकि घोड़ी का ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, आंखों से। तो आप कितने साल से क्या घोड़े वगैरह क्या रख रहे हो, यानी कि आप? अरे जी, मैं खुद यानी कि कितने उम्र से आप यानी कि ये करने लग गए थे घोड़ों के साथ जाना आना? हम 2000 सन से घोड़ी रख रहे हैं। अच्छा, 2000 से। हाँ, मेरी अभी 28 साल उम्र है। अच्छा। उस टाइम मैं अपने पापा के साथ जाता था मंडी में, मुक्सर मंडी हमारे बगल में लगती है, वहाँ पे जाता था और उंगली पकड़ कर जाता था। पहली मंडी मैंने अपने पापा के कंधों पे बैठकर देखी है, जैसे बच्चे मेला देखते हैं। हाँ, जैसे मेला देखते हैं। मैंने उसी टाइम हम राजस्थान से घोड़ी लेकर आए थे। अच्छा। उसके एक साल बाद में घोड़ी की सवारी करने लग गया मैं घोड़ी की। आज भी सवारी करता हूँ। सवारी करने से क्या है, आदमी का शरीर रिष्ट पुष्ट रहता है, कोई बीमारी नहीं लगती, शरीर में मोटापा नहीं बढ़ता घोड़ी की सवारी करने से, कि जिम जाने की तो लोड़ ही नहीं जो घोड़ी की सवारी करता है। और क्या है, जो अपने घर में जो जानवर पाल रहे हैं उसको डाइट देते हैं, डाइट देने से घोड़े में मोटापा बढ़ जाता है। अच्छा। घी वगैरह खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, उनसे क्या है घोड़े का मोटापा बढ़ जाएगा, घोड़े को भी एक तरह का हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी, इसीलिए घोड़े को भी चलाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये और बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पहले भवरियों के बारे में बताया था मेरे को मुक्सर के मेले में, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भवरी तो कुछ नहीं है भाई, ये तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, ठीक है, तो बोले भवरी तो कुछ नहीं है, ये तो अंधविश्वास है, भगवान का दिया हुआ है, जो सब कुछ जैसा दिया हुआ है वैसा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बताओ कि आदमी जब जाए तो ये भवरी का जो है ये सच है या गलत है, या आदमी देखे या ना देखे, क्या है ये? देखो जी, मान लो आप घोड़ी लेते हैं, घोड़ी नहीं, मान लो बाइक लेने एजेंसी में जाते हैं, सबसे पहले बाइक देखते हैं, इस पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं, इसका टायर फटा तो नहीं, इसके साइलेंसर लगा है। मान लो बाइक के साइलेंसर नहीं लगा तो आप कैसे ले लेंगे? उसी तरह घोड़ी का है, मान लो घोड़ी की एक टांग टूटी हुई है जहाँ इसकी बबरी गालता है, उसी तरह जाकर बोलते हैं अरे भाई साहब ये ऐसा है, हम नहीं लेंगे। पर इसमें अंधविश्वास है बबरियों के प्रति। देखो, जब आपको भाव में चीज़ कोई मिल जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा। जब भाव में नहीं मिलती, बोल देते इसके जेब बावरी बहुत गंदी है। घोड़े की बॉडी हाइट और घोड़े में गोश्त राजी होना चाहिए, घोड़ा हेल्थी होना चाहिए, ये बावरियों कुछ भी नहीं करती। और क्या है, नेचुरली वो परमात्मा का आपकी तरफ निगाह होनी चाहिए। घोड़ा जब आप रखते हैं तो समझ लो रब आपके पास है, तो समझो घोड़ी भी आपके पास ही रहेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको लाभ।